जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम फ्यू हाउस रूल्स, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और कल सुबह या वीकेंड के बाद सरमायाज की टीम इसको डाउनलोड करके ट्विटर से बाकी मीडिया चैनल्स पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद विल ट्राई टू कंक्लूड दिस सेशन इन वन आवर। I'll ask a couple of questions during the first half, and you can ask yours during the second half. अगर किसी को भी question है तो please mic के icon पे click करें। I'll give you speaker after during the second half. जब आपको mic platform मिल जाता है, please अपने आप को mute करें, और जब मैं आपका नाम पुकारूंगा देन यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन ब्रीफली। सो ये थोड़े से हाउस रूल्स थे। उसके बाद अली भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सेकंड टाइम टाइम दिया। अली नवाज भाई सीईओ हैं चेस सिक्योरिटीज़ के। अली भाई का तकरीबन कोई 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन पाकिस्तान एक्विटी मार्केट्स। इन्होंने पहले अल्फाला के साथ, सिलिक बैंक के साथ, सांबा बैंक के साथ काम किया हुआ है चेस सिक्योरिटी से। अली भाई, इफ वी स्टार्ट लिटिल बिट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ चेस सिक्योरिटीज, आई थिंक आई डिडंट आस्क यू दिस क्वेश्चन लास्ट टाइम, सो प्लीज फील फ्री टू लिटिल बिट इंट्रोड्यूस द ऑर्गेनाइजेशन यू हैड। Thank you so much, Khizr bhai, for inviting me. Briefly introduction Chase Securities ka ye ki actually mera career jo hai wo start hua treasury and financial markets se. पहले मैं अल्फला जीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के साथ उनका इक्विटी पोर्टफोलियो उनका मैनेज किया। देन आई वेंट टू सिल्क बैंक ट्रेजरी, वहां पर उनका इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेज किया फॉर 3 इयर्स, और फिर सांबा बैंक का इक्विटी एंड ट्रेजरी पोर्टफोलियो मैनेज किया फॉर 7-8 इयर्स। ये जो मैंने मेरा एक्सपीरियंस था ऑन द इंस्टीट्यूशनल फ्रंट, यहाँ पर मुझे कुछ 8-10 साल काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर एक्चुअली आपके जितनी प्रोफेशनली आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं बैक्ड ऑन रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस, उतनी ही उतना जो है वो H&W स्पेस या रिटेल स्पेस जो है वो उसको एक्सेस नहीं मिलता उस तरीके की रिसर्च का, डाटा का, इस तरह के एनालिसिस का। सो आई केम अप विद अ व्यू के हमें कोई एक ऐसी चीज सेटअप करनी चाहिए जहां पर हम प्राइमरीली रिटेल और H&W इन्वेस्टर्स को उस तरीके से उनको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर एडवाइस करेंगे जहां पर जिस तरीके से हमने बैंक में या म्यूचुअल फंड्स में पोर्टफोलियो मैनेज किया हुआ है, और नो मैटर वो कितने टेम्प्टेड हो towards trading या tips, उनको हम उनकी risk management portfolio की इस तरीके से करेंगे कि अगर वो कुछ portfolio का space उसके लिए भी रखना चाहे तो बाकी segment उनका एक properly designed portfolio हो। तो इस view के साथ हमने Chase Securities start की, and then वो फिर Chase Securities को हमने further जब हम ये बना रहे थे उसका idea हमने develop इस तरह किया कि पाकिस्तान में होता यह है कि आपको अगर इक्विटीज में इन्वेस्ट करना होता है तो आप इक्विटी ब्रोकर के पास जाते हैं, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है तो आप AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाते हैं, अगर आपको ट्रेजरी बिल PIBs में इन्वेस्ट करना होता है तो आप किसी बैंक के पास जाते हैं। तो मैंने कहा व्हाई नॉट देयर शुड बी अ वन स्टॉप इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन जहां पर आपको जो भी करना हो, अपनी एसेट एलोकेशन जैसी भी करनी हो, वो आप एक प्लेटफॉर्म पर आए और वहीं आपको एक्सेस मिल जाए इक्विटीज का, म्यूचुअल फंड्स का या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का। तो ये इस आइडिया के साथ जो है वो हमने चेस सिक्योरिटीज फॉर्म की, और अब ये सेकंड ईयर ऑफ ऑपरेशंस है, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अप दिस कंपनी इंशाल्लाह। एक्सीलेंट भाई। भाई आई वांट टू स्टार्ट विद फ्यू जनरल क्वेश्चंस। सो मेरा पहला क्वेश्चन है कि इन्वेस्टर्स की एजुकेशन के लिए आप क्या देखते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कर रहे हैं? आप भी ऑफ कोर्स एज अ ब्रोकर, ब्रोकरेज फर्म स्टेक होल्डर हैं, बट वहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, स्टॉक मार्केट भी है, तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं कि
ये सारे स्टेक होल्डर्स इन्वेस्टर्स की एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं। आई कैन जस्ट से दैट ये जो एक इनिशिएटिव है, ये लाइक भाई का ही आइडिया था कि इस तरह एक्सपर्ट्स को इनवाइट करके डिस्कशन करते हैं, क्योंकि देर इज़ अ लॉट ऑफ गैप इन दिस साइड। बट स्टिल आई फील समटाइम वेरी डिफिकल्ट टू कन्वेंस एक्सपर्ट्स। फॉर एग्जांपल अभी ओएमसी रिफाइनरी या इस तरह के सेक्टर्स हैं, तो जब मैं कुछ लोगों से रेफरेंस लेता हूं तो बहुत सारे लोग जो हैं इस फील्ड में, वो सेम बंदे का नाम बता रहे होते हैं कि यार ये बंदा इज़ वेरी एक्सपर्ट। बट जब उससे बात करता हूं तो सारे इतने नहीं होते सपोर्टिव, नहीं कहूंगा, बट मे बी नॉट एवरी वन इज़ विलिंग टू स्पीक ऑन अ पब्लिक फोरम। तो अगर ओवरऑल थोड़ा सा आप बता दें कि हमारे स्टेक होल्डर्स क्या कर रहे हैं इस साइड में। देखिए, लास्ट कुछ सालों में जो होता आया है और अब जो हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि लास्ट कुछ सालों में जो एक ब्रोकरेज हाउस या इवन कोई कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी या ब्रोकरेज हाउस या कोई भी इस तरीके का कोई फॉर्मल सेटअप होता था, वो ज्यादातर फोकस होता था B2B को सर्विस करने के लिए। दैट इज कि कहीं से कोई मुझे बड़ा चंक ऑफ बिजनेस कॉर्पोरेट से मिल जाए, बैंक से मिल जाए, इंश्योरेंस से मिल जाए, म्यूचुअल फंड से मिल जाए, चाहे वो ब्रोकरेज हाउस हो या चाहे वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, वो भी ज्यादा फोकस जो है वो करते थे कि हमें इंस्टीट्यूशनल मनी मैनेज करने के लिए मिल जाए। अब होता ये था कि रिटेल सिंस बहुत ही फ्रेगमेंटेड मार्केट होती है, तो वो होता ये था कि आप अपना बिजनेस सेटअप करते हैं टू कैप्चर दोस क्लाइंटेल, बिग फिशेस, और फिर उसके साथ अगर रिटेल क्लाइंट्स आ जाते हैं तो ठीक है, आपने एक साइट पर एक डेस्क बना दी होती है और उस डेस्क पर बैठ कर जो है वो एक आपने उस डेस्क पर जो ह्यूमन रिसोर्स रखा होता है वो भी एक एवरेज स्किल्स के साथ रखा होता है, नॉट वेरी मच एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड, जो कि आप कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स को सर्विस करने के लिए रखते हैं। तो होता ये था कि रिटेल इन्वेस्टर्स की एजुकेशन पे पिछले सालों में कुछ काम नहीं हो रहा है। बट हुआ ये कि आफ्टर 2019, 2020, जिस तरह से सोशल मीडिया जो है वो एकदम से उसमें एक बूम आया और वहां पर एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पर इन्वेस्टर एजुकेशन पर काम हो सके, फिर सरमाया एक बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसका बिल्कुल बहुत इसका प्राइमरी फोकस जो है वो टुवर्ड्स इन्वेस्टर एजुकेशन है। इस तरीके के न्यू प्लेयर्स आए मार्केट में जिन्होंने अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये की कि हमें इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना है, और जिस तरह आपका सेशन एक हुआ, बाकी लाइक भाई सरमाया पोर्टल उन्होंने जो बनाया है इन्वेस्टर्स के लिए, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है। उसके साथ फिर ये मोटिवेशन हुई और अब ये रियलाइजेशन हुई है एक्विटी ब्रोकर्स को भी और डिफरेंट और कंपनीज को भी कि अब हमें इन्वेस्टर एजुकेशन पे काम करना चाहिए। और आप सबने अपने सोशल मीडिया पेजेस एक्टिव किए हैं, सबने अपने यूट्यूब पेजेस, ये 3 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, ये एग्जिस्ट करते थे तो वो एक्टिव ही नहीं होते थे, बट अब जो है वो प्रॉपरली एक्टिव होती हैं। अब इस तरीके की वीडियोस बनाई जाती हैं, इस तरीके की हमें अभी भी इस तरह होता है कि हम कोई अपनी एनालिस्ट की रिपोर्ट लिखे है तो वो इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे जो उसको एक रिटेल इन्वेस्टर्स भी समझ सके। तो आई थिंक इस पर काम हो रहा है, बट देर इज लॉट मोर टू डू। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट आपको एंड लाइक भाई को कि आपने जो है वो इनिशिएट किया इस आइडिया को, बट अब जो है वो फॉलोइंग में आपका हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो किसी ना किसी तरह अपने इस एंगल को जो है वो उस पर फोकस करे और इसको ग्रो करे। जी अली भाई, अगर हम ओवरऑल PSX के जो इन्वेस्टर्स हैं या एक्टिव अकाउंट्स हैं उनको देखें तो वो 2.5-3 लाख के पास ही रहते हैं। तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और वो ज़्यादा अट्रैक्ट हों इस मार्केट में? एक तो हमारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि नॉर्मली PSX जो है वो ट्रबल में ही रहती है। मैंने बहुत सारे दोस्तों को रेफर किया था, उन्होंने काफ़ी मिलियंस ऐड किए थे, देवर अबिट पैसिव इन्वेस्टर्स, और जिस तरह के हालात रहे हैं पिछले 2 साल में तो आई कांट इवन टॉक टू देम अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट। सो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए ताकि जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो और थोड़े से और लोग इस तरफ इन्वेस्टमेंट में आए? क्योंकि अगर आप इंडिया के नंबर्स देख लें, उनकी ओवरऑल पॉपुलेशन देख लें, बाकी मुल्कों की पॉपुलेशन वर्सेस एक्टिव इन्वेस्टर्स की एक रेशियो देख लें,
तो पाकिस्तान में तो आई थिंक देर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो के इम्प्रूव हो सकती है इस साइड में. जी बिल्कुल। ठीक है सर भाई, इसके है ना दो तीन फैक्टर्स हैं, और ये कुछ फैक्टर्स पॉलिटिक्स है, कुछ आपकी मैक्रो इकोनॉमी है, और कुछ आपका कंट्री का कुछ कुछ डेमोग्राफिक्स है। एक्चुअली तो शुरू होता है कि आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी एज अ कंट्री जो है वो काफी लो है। जब फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी लो होती है तो फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट भी लो होती है। फिर दूसरा, हमारी इकोनॉमी जो है ना वो जरा कुछ पिछले कुछ सालों में खास तौर पे बूम बस्ट साइकिल से गुजरी है, और आपके जो खास तौर पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके सेंटिमेंट्स ड्राइव होते हैं फ्रॉम जो पॉलिटिक्स में हो रहा है, या जो न्यूज फ्लो वो रोज देखते हैं टीवी पर, या जो है वो व्हाट्सएप पर। तो वो जब वो ये देखते हैं कि ओवरऑल एनवायरनमेंट में नेगेटिव न्यूज है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो मार्केट्स में जाकर जो है वो कोई पॉजिटिव होप के साथ जाए मार्केट में। बट देन ये एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता अब जो जो है वो ये इन्वेस्टर एजुकेशन से एक चीज ये हो रही है। देखिए, जब इस तरीके की कोई चीज होती है तो हमने देखा है कि स्टॉक की वैल्यूएशन, जब लोग स्टॉक्स खरीदते नहीं है या स्लो पेंट्रेशन कम होती है, तब मार्केट में चीजें आपको अट्रैक्टिव भी बहुत मिल जाती है। इन द सेंस कि आपने देखा कि मार्केट्स में जो है वो 1.5-2 टाइम्स पर ब्लू चिप स्टॉक्स हमें करंटली मिले हैं और अभी भी मिल रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। कहाँ पर दुनिया में आप देखते हैं कि 22-23-24% डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं, और अभी आज कॉन्फिडेंस इतना लो है तो ये आपको मिल रहे हैं। जिस तरह जब कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट में अगर एक बियर साइकिल आता है तो बुल साइकिल भी आता है, अगर हमारी इकोनॉमी में बूम आता है, बस्ट आता है तो बूम भी आता है, तो उस वक्त हम देखते हैं कि जो 6-8% की डिविडेंड वाले स्टॉक्स भी हाई प्राइसेस पर लोग ले रहे हैं, क्योंकि उस वक्त ओवरऑल जो इकोनॉमी होती है वो काफी रिलेटिवली उस वक्त बेहतर होती है। तो आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। अब वो इन्वेस्टर का बेस आपका आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह बढ़ेगा, जब थोड़ा इन्वेस्टर एजुकेशन पे काम होगा, जब हम ये इन्वेस्टर ये रियलाइज करेगा कि ठीक है, ये साइकिल्स को मैं साइकिल्स को अवॉइड नहीं कर सकता, और ये भी कोई तरीका नहीं है कि मैं जो हूँ वो ये कहूँ कि मैं काम ही ना करूँ, क्योंकि हमने साइकिल में देखा कि अगर कहीं इम्पैक्ट आता है तो सारी इन्वेस्टमेंट्स पे आता है, कुछ पे पहले आता है, कुछ पे बाद में आता है। आप एक्विटीज अगर पहले नहीं चली है तो हमने अब देखा थोड़ा सा रियल इस्टेट भी स्लो हो गया है। तो ये जो फर्क आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, ये अक्रॉस देर या सवेर सारे एसेट क्लासेस में आता है, और या मोस्ट ऑफ एसेट क्लासेस में आता है। अब ये इन्वेस्टर्स को एजुकेशन के थ्रू ही पता चलेगा कि मुझे इस साइकिल्स को टाइम किस तरह करना है या प्ले किस तरह करना है, और आपकी हमारी कोशिशों से ही हम इसको जो है वो लोगों को एजुकेट करेंगे, और जब वो देखेंगे व्हेन दे विल लर्न हाउ टू प्ले इन दो साइकिल्स, या इन द सेंस कि वो इन्वेस्टमेंट्स अपनी इस तरीके से प्लान करें कि वो मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो, और अगर बीच में कुछ बुरा पैच भी आ जाए तो उनकी डिविडेंड इनकम पोर्टफोलियो से इतनी हो जिससे वो सर्वाइव कर जाए। तो इस तरीके का थोड़ा सा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चरिंग पर थोड़ा एजुकेट हो जाए वो, या मार्केट्स पर, इकोनॉमी पर हो जाए, तो आप फिर देखेंगे ग्रेजुअली जब ये इनिशिएटिव्स बढ़ते रहेंगे तो इन्वेस्टर बेस भी बढ़ता रहेगा। सही सही. अली भाई, जब हमने लास्ट टाइम अप्रैल में डिस्कशन की थी अबाउट द मार्केट, उस टाइम जो डिफॉल्ट का रिस्क था दैट वाज क्वाइट हाई, और हमने कोशिश की थी अपने जो ऑडियंस है उनको प्रिपेयर करने की कि इन दैट काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हमें क्या करना चाहिए. तब से अभी तक जो मार्केट है, दैट टाइम आई थिंक इट वाज 42.2 के और अभी 44.2 के पे आई है. तो इन कुछ महीनों में क्या हुआ है? हाउ कैन यू जस्ट समराइज के कहाँ से हम कहाँ तक आ गए हैं एंड वेयर डू वी स्टैंड टुडे? जी बिल्कुल। देखिए, हमने लास्ट जब सेशन किया था तो वो हमने श्रीलंका और घाना के डिफॉल्ट को कवर किया था, और हमने इसको रिलेट किया था कि पाकिस्तान में अगर हमें चीजें टफ हुई तो वो पाकिस्तान में क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका। बट हमने देखा कि सरप्राइजिंगली जो IMF का प्रोग्राम है जो 27th तक नहीं हुआ था, हमें आखिरी 2 दिनों में एक्सपायर होने से पहले एक 9 मंथ का स्टैंड बाय अरेंजमेंट, ये एक कोई प्रोग्राम नहीं है बट एक तरीके का एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, जिसमें आप कुछ इवेंट्स आ रहे हैं कंट्री में
जो कि केटेकर सेटअप आना है और फिर इलेक्शंस होने हैं, और इस दरमियान आपकी कोई 18 से 20 अरब डॉलर्स की रीपेमेंट्स हैं। तो ये जो पीरियड है इसमें आपको 9 मंथ्स का एक प्रोग्राम मिल गया है, एक स्टैंडबाई अरेंजमेंट मिल हो गई है जिसमें आईएमएफ आपको $3 बिलियन देगा। तो हम बेसिकली नो डिफॉल्ट से डिफॉल्ट की तरफ जो है डिफॉल्ट से नो डिफॉल्ट की तरफ आ गए हैं। और जब हम ये फिगर आउट कर रहे थे कि हमारी नहीं इस बार फ्रेंडली कंट्रीज ने कोई हेल्प की इन द सेंस के आपको किसी बड़े बेल आउट पैकेज देने में, नहीं आपके पास आईएमएफ आया, बट अब सिंस हमने देखा कि ओवरनाइट ये सारी चीजें चेंज हो गई और हमें एक प्रोग्राम मिल गया है फॉर 9 मंथ्स, एक अरेंजमेंट हो गई है। अब जब मार्केट ने, जब ये सारी चीज हो रही थी तो मार्केट ने एक डिफॉल्ट को इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया था और आपकी करेंसी में भी वो इम्पैक्ट आ गया था, और आपकी जो जो डेट मार्केट है, ये जो फिक्स इनकम है, वो भी कहीं ना कहीं उस चीज को इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर रही थी कि जब आप हर ऑप्शन में जब पार्टिसिपेट करते थे तो T-bills या PIBs में लोग ऊपर की तरफ पार्टिसिपेट करते थे क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने का रिस्क था। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का रिस्क क्यों था? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क था। इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क क्यों था? क्योंकि करेंसी के डीवैल्यू होने का रिस्क था। ओपन मार्केट में आपको डॉलर मिलते ही नहीं थे और प्राइस जो है वो गैप इंटरबैंक और इतना वाइडन हो गया। तो ये सारी चीजें हमने देखा कि सारी आपकी पूरी इकोनॉमी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो है वो रुक गई थी। हाउएवर जब अभी हमें ये प्रोग्राम मिला तो हमने जो है वो ये ओवरनाइट चीजें जरा सेंटिमेंट स्पेसिफिक पॉजिटिव हो गए, और हम देखेंगे कि जुलाई 12 को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इंशाल्लाह ये अप्रूव हो भी जाएगा आपका प्रोग्राम, और इसके बाद आपको आईएमएफ से फ्लोज आने हैं और फ्रेंडली कंट्रीज से आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको जो एक्चुअली 17 से 20 अरब डॉलर की डेट रिपेमेंट्स करनी थी इन नेक्स्ट 10-11 मंथ्स, ये आईएमएफ प्रोग्राम अगर आपके पास होगा तो ये रोल ओवर्स बहुत आसानी से हो जाएंगे। और इसमें कुछ कमर्शियल डेट भी मेच्योर हो रहा था जो कि कमर्शियल बैंक्स को ड्यू था, तो होता ये कि जब आईएमएफ प्रोग्राम में आप होते हैं तो वो भी बैंक्स भी कंफर्टेबली इसको रोल ओवर कर देती हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप आईएमएफ प्रोग्राम के बगैर जाते तो शायद आपके बायलैटरल पार्टनर्स तो रोल ओवर कर देते, बट मल्टीलैटरल को आपको रीपे करना होता और कमर्शियल जो डेट है इसको आपको रोल ओवर करना होता। तो ये एक सिचुएशन ये इम्प्रूव बेहतर इस तरीके से हो गई है कि आपको वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाउएवर ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, आपको एक नए प्रोग्राम में दोबारा जाना पड़ेगा और आपको किसी तरह ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको अगले 2 साल 3 साल की अपनी डेट रिपेमेंट्स को किस तरह मैनेज करना है, क्योंकि हर साल आपकी डेट रिपेमेंट इतनी ही है तकरीबन 20 से 22 अरब डॉलर की। अब वो आप मीन वाइल आईएमएफ के प्रोग्राम में रहकर आप अपना स्टिल जो पहले बात हो रही थी कि आपको डेट रिस्ट्रक्चर करवाना पड़ेगा, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि बायलैटरल पार्टनर से शायद हमें अपना डेट रिस्ट्रक्चर करवाना पड़े, तो वो आप आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर रहते हुए क्या इस चीज को इनिशिएट करते हैं, अगर कर लें तो बेहतर है ताकि आपके पास अगले साल जब ये प्रोग्राम 6 महीने 8 महीने हो जाए और हम फिर इसी साइकिल में आ जाए कि अब तो 1 महीने का प्रोग्राम रह गया और अगले प्रोग्राम का क्या होता है इलेक्शंस के बाद। तो आई थिंक ये आप अभी से काम करना शुरू कर दें तो आपकी सेंटिमेंट्स जो है वो फिर इम्प्रूव इस सूरत में हो जाएंगे कि आपको पता है कि 9 मंथ्स के प्रोग्राम के बाद अभी और प्रोग्राम ले लेंगे, बट आपने अगर थोड़ा सा अपना डेट रीप्रोफाइल करवा लिया होगा अंडर दिस आईएमएफ प्रोग्राम तो आपको दिखेगा कि अगले साल पे प्रेशर ईज ऑफ हो रहा है। तो ये मार्केट में जो एक्साइटमेंट भी आई है पिछले 1 हफ्ते में वो इसी एक्साइटमेंट आई है कि अब आपको एटलीस्ट आपकी करेंसी पे आउटलुक थोड़ा सा स्टेबल हो गया है, कि उसमें आपने देखा न्यूज आर्टिकल में कोई 325, कोई 350, कोई 400, कोई 500 कोई रेट नहीं था अगर आपके पास आईएमएफ प्रोग्राम नहीं होता और अगर आप डिफॉल्ट की तरफ जाते तो। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वो मार्केट से खत्म हो गया है जिसकी वजह से हमने देखा सेंटिमेंट बेहतर होंगे। इसमें कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको 9 मंथ्स में का प्रोग्राम मिला और 9 मंथ्स के बाद आप फिर आप उस लेवल पर आ जाएंगे तो मार्केट्स में तेजी क्यों हो रही है, तो इसका एक्चुअल इफेक्ट ये है कि जब आप मार्केट ने जो है वो प्राइस की भी थी डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट का मतलब है कि स्टॉक्स 1.5 से 2 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे चले थे मेन बोर्ड स्टॉक्स, जिसमें बैंक्स में डोमेस्टिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही थी, आपकी जो ईएनपी कंपनीज है वो कह रहे थे कि और आपकी चीजें एनर्जी सेक्टर और फंस जाएगा तो उसमें सर्कुलर डेट और पाइल अप हो जाएगा तो उनका उनकी बिजनेस फिजिबिलिटी नहीं, तो लोगों को कंसर्न्स थे जिसकी वजह से वो 1 और 2 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर भी स्टॉक लेने को तैयार नहीं थे। बट अगर ये
कीपिंग ऑल एवरीथिंग कांस्टेंट, हम ये अभी अज्यूम कर लें कि कोई हालात मुल्क के चेंज नहीं हुए हैं, सिर्फ ये हुआ है कि हम डिफॉल्ट नहीं हो रहे हैं एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 9 मंथ्स, तो ये मार्केट में जो तेजी आई है वो री रेटिंग वाली तेजी है कि अगर कोई स्टॉक 2 की पी पे चल रहा था तो एटलीस्ट अब डिफॉल्ट नहीं हो रहे तो उसको कहीं ना कहीं री रेट हो रहा है। फिर हमने ये देखा कि डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स की बहुत अच्छी थी, तो कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए हैं जिनके जिन्होंने जिनको ये कैप्चर करनी है, जिनको ये एक्चुअली वैल्यूएशन कैप्चर करनी थी कि कहीं मिस ना हो जाए मार्केट से इस लेवल पे, हम अपने होपफुल कर लें, तो वो जो कुछ पैसे साइडलाइंस पे इंतजार कर रहे थे कोई क्लैरिटी मैक्रो पर आ जाए, तो सिंस वो एक क्लैरिटी आई है तो उन्होंने पार्टिसिपेशन की है मार्केट में। तो इट इज अ मिक्स ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि मार्केट इतने लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही थी तो कहीं ना कहीं जो है वो एक एक्साइटमेंट आनी थी, बट अब मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, अब सेक्टर वाइज इंटरेस्ट आ रहा है मार्केट में, अब अक्रॉस द बोर्ड तेजी नहीं हो रही है। तो ये कुछ मैंने समराइज करने की कोशिश की है कि मार्केट में बिफोर आवर लास्ट कॉन्वर्जेशन और अभी में क्या डिफरेंस अली भाई, ये जो है। रैली है आपको लगता है कि दिस इज अ वेरी जेन्युइन, ना कि कुछ जो आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी सीकर होते हैं उन्होंने ये न्यूज़ को प्ले किया है? और दूसरा, इसमें आपने जो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है या फॉरेनर्स की पार्टिसिपेशन है उसको किस तरह देखा है? देखिए ये बात तो इस बात में दो कोई 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 शक नहीं है कि मार्केट में जो है वो पिछले 4 दिन में फॉरेन पार्टिसिपेशन भी आई है और ये नेशनल क्लियरिंग पे नंबर्स अवेलेबल हैं कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाई किया है, तो वो नंबर्स सामने है, इसमें बाइंग आई है और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी आई है। वजह ये है कि बहुत सारे बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो कि पोर्टफोलियोज बनाती हैं अपने लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल, 8 साल, 10 साल, और उन्होंने ये वाले साइकिल्स पाकिस्तान में कई पिछले सालों में देखे हुए हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है, ठीक है शायद इस बार हम डिफॉल्ट के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन पिछले सालों में भी 2008 का क्राइसिस भी मार्केट्स ने देखा हुआ, इन्हीं बैंक्स ने, इन्हीं इंश्योरेंस कंपनीज ने, इन्हीं म्यूचुअल फंड्स ने 2008 का क्राइसिस भी देखा हुआ है, 99 2000 का क्राइसिस भी देखा हुआ है, जब हमने न्यूक्लियर जब हमने टेस्ट किया था उस पर सैंक्शंस लगे थे, तो उन्होंने काफी ये साइकिल्स देखे हुए हैं और उन्हें पता है कि अगर ये टेम्पररी हम अगर किसी रफ पैच से गुजर रहे हैं या अगर आगे आके गुजरेंगे भी तो जो है वो कंपनीज चलती रहेंगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है कुछ टाइम के लिए हर्ट करे, बट वैल्यूएशंस इतनी थी और सिंस वो उस पर इन्वेस्ट करने जो है वो एक्चुअली वैसे ही ग्रेजुअली इन्वेस्ट कर रहे थे, बट अब जब क्लैरिटी आ गई तो वो थोड़े से और एग्रेसिव उनकी पार्टिसिपेशन है ये मार्केट में। तो यस इट इज अ जेन्युइन पार्टिसिपेशन, यस मार्केट्स में जो है वो हर तरीके के प्लेयर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म प्लेयर्स भी होते हैं, उन्होंने भी ट्राई किया है कि मार्केट में कुछ ट्रेडिंग करें। हमने देखा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के वॉल्यूम जो पहले ग्रॉस बाई सेल कुछ 3, 4 और 5 अरब की होती थी वो डबल होके 10 से 15 अरब रुपए की हो गई है, तो वो डे ट्रेडर्स पंटर्स उनकी भी एक्टिविटी मार्केट में थी, बट यस ये जो रैली थी उसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का था। थैंक यू अली भाई। अली भाई, ये 3 क्वेश्चन मैं पूछा करता था या करता हूँ, वो एक रिचुअली बन गई है। अगर उस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि अभी आने वाले दिनों में आपको इन्फ्लेशन कैसे नज़र आ रही है, क्योंकि लो बेस की वजह से इस महीने में बड़ा जंप आया है, 38% से 29% पे आ गई है, और ये आने वाले दिनों में इसकी प्रोजेक्शन क्या होगी, और रिलेटेड इंटरेस्ट रेट जो बड़ा है ये यहाँ रुकेगा या कि कम भी हो सकता है, और PKR के बारे में हाउ इट विल बिहेव इन कमिंग डेज। देखिए PKR के बारे में मैं ये कहूंगा कि ये आपने जो IMF से एग्रीमेंट किया है इसमें आपको ये मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे जाना है, इसका मतलब है कि आपको मार्केट को डिमांड और सप्लाई पर छोड़ना होगा, तो हम ये जरूर दे सकते हैं आगे वाले दिनों में कि PKR जो है वो आप किसी दिन देखें कि 2-5 रुपए एकदम से बढ़ गया है और अगले दिन जो है वो 2 रुपए नीचे आ गया है, क्योंकि जब आप मार्केट पे छोड़ते हैं इसका मतलब है कि किसी दिन अगर मार्केट में आपकी इंपोर्ट की पेमेंट ज्यादा होगी तो आपको बैंक जो है उस पेमेंट को करने के लिए आपका डॉलर इंटर बैंक में ऊपर हो जाएगा,
और अगर किसी दिन हमारे पास एक्सपोर्ट या रेमिटेंसेस के फ्लोज अच्छे होंगे तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी, और वो जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट का यही इसी तरीके से मार्केट ऑपरेट करती है। हाउएवर स्टेट बैंक इसमें ये इंश्योर करता है कि मार्केट में कोई स्पेकुलेशन ना हो और कोई बहुत ही एब्रप्ट मूवमेंट ना हो जाए, तो वो गवर्नेंस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रहती है। तो आगे देखिए, सबसे बड़ा एक आउटलुक ये क्लियर हुआ है आफ्टर आफ्टर IMF प्रोग्राम के, जो मार्केट में करेंसी की बात 325, 350, 400, 500 और पता नहीं क्या हो रही थी, एटलीस्ट ये नहीं होने जा रहा। मार्केट में जो 2 से 5% की मूवमेंट रहती है ये रहेगी, बट हमें ये आउटलुक क्लियर हो गया एटलीस्ट कि अगले 9 महीने में करेंसी में कोई बहुत जो है वो बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी। विद रिगार्ड्स टू इन्फ्लेशन, हमने देखा है कि इन्फ्लेशन की एक बहुत बड़ी वजह हमारी तो डिमांड साइज की इन्फ्लेशन थी ही नहीं, हमारी तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थी। जो डिवैल्यूएशन हुई है पिछले कुछ 6-8 महीनों में, उसका इम्पैक्ट था। फिर आपने ये एनर्जी की प्राइसेस पास ऑन की, फिर आपने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई, PDL लगाया, फिर आपने टैक्सेस लगाए चीजों पर, जो IMF का टैक्स का टारगेट आपको कंप्लीट करना था, बीच में मिनी बजट देखे, तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई। ये 3-4 फैक्टर्स थे जिसने इन्फ्लेशन को एकदम ही फ्यूल अप कर दिया। हवेवर हमने देखा लास्ट मंथ के बहुत महीने बाद आपकी जो मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन है वो नेगेटिव में आई है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि सिंस अब करेंसी पर भी आपका आउटलुक स्टेबल है, और अब कमोडिटी सुपर साइकिल भी जो है वो भी खत्म हुआ है, अब दुनिया में भी कमोडिटी की प्राइसेस ही वो ईज ऑफ हुई हैं, तो इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे आगे 6-8 महीने में बेस इफेक्ट की वजह से इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आएंगे। आई थिंक वर्स इज बिहाइंड अस इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, पीक हम देख चुके हैं जो 38% का लगा है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले जनवरी टू मार्च में आप इन्फ्लेशन कहीं देखेंगे बिटवीन 15-18%, और मार्च के बाद आप इन्फ्लेशन देखेंगे बिटवीन 12-15%। और इसी को मैं कनेक्ट करूंगा इंटरेस्ट रेट्स के साथ कि जब आपके इन्फ्लेशन के नंबर्स जो है वो तेजी से नीचे आएंगे इन सेकेंड हाफ ऑफ FY24, तो इंटरेस्ट रेट्स भी उसको फॉलो करेंगे, और जिस तरीके से हमने देखा अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए, इसी तरह हम कट होते हुए भी अग्रेसिवली देखेंगे। हाउ एवर, इसमें सिर्फ मैं एक डिस्क्लेमर ये देना चाहूंगा कि देखें, हमने ये देखा है कि जब आप इकोनॉमी के लिए फैसले लेना चाहें तो हमने टैक्सेस भी एक हफ्ते में लगा दिए, हमने बजट भी एक हफ्ते के अंदर पास करा दिया, हमने PDL भी लगा दिया था, हमने एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ा दी थी पिछली बार, तो आपने आपने करेंसी पर भी जो है वो छोड़ दिया था जब फरवरी में IMF का स्टाफ लेवल हो रहा था। तो हमने देखा कि जब हम रिफॉर्म्स करने या मेजर्स लेने पर आते हैं तो हमें शायद कुछ दिन चाहिए होते हैं ये सारे रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें एक डिस्क्लेमर यह है कि अगले साल भी जब आपका ये 8-9 महीने बाद ये प्रोग्राम खत्म हो रहा होगा, तो हमें इतनी ही एक्टिवली अपनी इकोनॉमी को मैनेज करना है, और जो फैसले वक्त पर लेने हैं वो ले लेने चाहिए, और हमें अगला IMF प्रोग्राम शायद अभी से ही निगोशिएट करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि अगले बार जो है वो अब वो डेफिनेटली इसको फाइनलाइज तो नहीं इलेक्टेड गवर्नमेंट ही करेगी, बट एटलीस्ट ब्यूरोक्रेसी को ये पता हो कि IMF हमसे अगले प्रोग्राम में चाहता क्या है, ताकि अगली इनकमिंग गवर्नमेंट जो है वो प्रिपेयर्ड हो उस चीज पर इंप्लीमेंट करने के लिए, और हम वो आगे का एक लॉन्ग टर्म IMF प्रोग्राम सिक्योर कर लें, ताकि ये जो तसलसल है स्टेबिलिटी का ये बरकरार रहे। थैंक यू अली भाई। अली भाई, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि अगले 9 महीनों में आप स्टॉक मार्केट को कहाँ देखते हैं, और इसके साथ ही अगर आप हाईलाइट करें कि कौन से सेक्टर्स हैं या कोई आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं, वो इन लेवल पे इन्वेस्टर्स को उन पे नज़र रखनी चाहिए या फॉलो करना चाहिए या एंट्री लेनी चाहिए, जैसा भी आप मुनासिबली इसको फ्रेज करें, तो मार्केट कहाँ देखते हैं आने वाले दिनों में, और कौन से सेक्टर्स या स्टॉक्स हैं जिन पे मुझे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ओवरऑल मार्केट को देखूँ तो काफ़ी ऊपर जा चुकी है, फियर ऑफ हाइट्स भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को, मेरे जैसों को, तो व्हाट डू यू रिकमेंड आर सजेस्ट?
खजर भाई, इसमें देखिए, मैं जो जो अभी के हालात हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपकी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा अच्छी शेप में एकदम से आ गई हो, तो मैं रिफ्रेन करता हूँ कोई इंडेक्स का टारगेट देने से, कि मुझे लगता है कि 6 और 8 महीने में मार्केट 48, 50 या 55 हो जाएगी, जो कि बहुत बहुत कॉमनली कोट भी होता है मार्केट में। हाउएवर, मैं ये सजेस्ट करूंगा यहाँ से कि आपको जो सबसे पहले, आपका पहला सवाल कि आपको मार्केट अगले 6-8 महीने में कैसी लगती है। मुझे लगता है कि मार्केट अगले 6-8 महीनों में काफी अच्छी रहेगी, पहली बात। दूसरी बात कि क्या मार्केट में लेवल्स थोड़े से बढ़ गए हैं, तो क्या इन्वेस्टर्स को फेयरफुल होना चाहिए। आई थिंक इन्वेस्टर्स को जो है ना, वो काफी कुछ हद तक प्राइस नहीं देखनी चाहिए इन द सेंस, या इंडेक्स देखकर व्यू नहीं बनाना चाहिए, बल्कि वैल्यूएशंस देखकर व्यू बनाना चाहिए। अगर एक स्टॉक पहले 24% या 22% की डिविडेंड यील्ड देता था, अगर अगर वो प्राइस बढ़ने से 20% डिविडेंड यील्ड देता है, तो वो स्टिल अट्रैक्टिव है। अगर कोई स्टॉक 2 की पी पे ट्रेड करता था, और ये मार्केट 2-2.5 हज़ार पॉइंट बढ़ने के बाद अगर वो स्टॉक 2 की जगह 2.6 की पी पे अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो वो स्टॉक अभी भी अच्छा है। तो इसमें मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि सबसे पहले अगले 6-8 महीने में स्टॉक मार्केट से इतनी नीचे है, इतने वैल्यूएशन वाइज, कि अब यहाँ पर नो डिफॉल्ट वाली रीरेटिंग होगी मार्केट में। बट क्या मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड होगी? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अभी भी ये जो आपकी इकोनॉमिक चैलेंजेस डेफिनेटली है, आपका अभी इंटरेस्ट रेट 22% ही है, आपकी अभी भी इम्पोर्ट्स जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हुई है, आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू होगी। तो ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड सारी कंपनीज विल बी डूइंग गुड इन नेक्स्ट 8 मंथ्स। आई थिंक आपको स्टॉक सिलेक्शन की तरफ जो है वो काफी आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आप इन वैल्यूएशंस को मिस भी नहीं कर सकते। जब आपके पास एक स्टेबिलिटी आ गई है इन द करेंसी, इन्फ्लेशन आउटलुक, इंटरेस्ट रेट कट होते हुए लग रहे हैं इन सेकेंड हाफ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं इकोनॉमी बेहतर होने का इंतजार करूंगा, क्योंकि तब तक अच्छे स्टॉक्स जिस लेवल पे चले जाएंगे, यू वुड मिस दैट। तो उसमें रिकमेंडेशन ये है कि उन स्टॉक्स और सेक्टर्स की तरफ फोकस किया जाए जो विच आर डूइंग वेल इवन इन दिस सिनेरियो, और जैसे ही सिचुएशन इकोनॉमी की इंप्रूव होगी, इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे, वो और मजीद बेहतर जो है वो परफॉर्म करेंगे। एंड स्टार्टिंग विद, आई थिंक बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए। मैं आपको अपने हाउस की कॉल दूंगा कि ईएनपी में आई थिंक हमारी पिक्स ओजीडीसी एंड मारी है। बैंक्स में वी रेकमेंड मीजान बैंक, फैसल बैंक एंड अल्फला। सीमेंट्स आई थिंक विल डू वेरी वेल इन FY24। कोल प्राइसेस काफी नीचे आ गई है, फिर सीमेंट की प्राइसेस ऊपर है, उनके मार्जिन्स काफी स्ट्रांग है, तो आई थिंक सीमेंट्स विल डू वेल। और हमने देखा भी कि IMF का फोकस है कि आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अपना बहुत ज्यादा कट नहीं करें, क्योंकि उससे आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी। तो उन्होंने IMF को, गवर्नमेंट को ये कहा भी है कि आप जो है वो, इवन कि उन्होंने PSDP थोड़ा सा जो है वो दोबारा बढ़वाया था, और कोई बहुत ज्यादा उसमें ड्रास्टिक कट नहीं किया है। तो आई थिंक सीमेंट्स विल डू वेल, जिसमें लकी सीमेंट, मेपल लीफ सीमेंट, पाइनियर सीमेंट आर अवर टॉप पिक। इसके अलावा स्टील में वी लाइक मुगल स्टील। जो स्टील है जिसको हम कोल्ड रोल स्टील कहते हैं, वो ISL हमारी इसमें टॉप पिक है। तो आई थिंक अभी भी शायद वो हम रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप जो है वो जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग का शायद आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए जो आप बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस कुछ आप ट्रेडिंग कर लें 8-10% ऑफ योर पोर्टफोलियो से, तो उसमें शायद फिर आप किसी भी स्टॉक में कर लें। बट आई थिंक आपका पोर्टफोलियो अभी भी वही वक्त है कि जिसमें आप कंसंट्रेटेड रखे 70-80% अपने पोर्टफोलियो को ब्लू चिप्स में, IPPs में भी लाइक हपको, निषाद पावर, आई थिंक इनके डिविडेंड्स बहुत बेहतर रहेंगे। तो इसी तरह आप अपने जो है वो पोर्टफोलियो को इस तरह स्ट्रक्चर करें कि वो 70-80% आपका पोर्टफोलियो ब्लू चिप्स में हो, और फिर 15-20% में आप अल्फा ग्रोथ ट्रेडिंग स्टॉक्स जो है वो डाल सकते हैं। अली भाई, अभी OGDC वगैरह में कुछ मूव थी, तो ये जो UAE का एक दोबारा न्यूज़ आ रही थी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का, उसकी वजह से थोड़ी सी इनमें मूव आई है। और दूसरा, मैं ट्विटर पे देख रहा था, कुछ दोस्त हैं वो कह रहे, दे वर जस्ट मेंशनिंग दैट दे आर अ बिट डिसअपॉइंटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ मारी इन दिस सेक्टर, तो इसमें आपका क्या व्यू है? देखिए, इसमें सबसे पहले आपकी ओजीडीसी वाली बात देखिए, ओजीडीसी में जो ये रन अप आया है,
ये रनअप शायद यूई वाली न्यूज पर कम आया हो, लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट इस वजह से आया है कि आपकी जो आईएमएफ की जो स्टेटमेंट्स आई है उसमें आईएमएफ ने ये कहा है कि आप अपने एनर्जी सेक्टर्स के रिफॉर्म करें। और हमने देखा भी कि आईएमएफ ने इस बार आप आईएमएफ की प्री रिक्वेजिट थी कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और गैस प्राइसेस को पास ऑन कर दें। और ये पहले भी पिछले साल भी हो चुका है और आई थिंक FY24 के लिए भी ड्यू है, और हम देखेंगे शायद कि ये इस महीने किसी टाइम आप देखें इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ते हुए। और फिर ये आपकी गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हमने गैस का सर्कुलेटेड जीरो कर दिया है, अब हमें एलएनजी का जीरो करना है, और फिर हम जो है वो कंप्लीट सर्कुलेटेड जीरो। और आई थिंक अगर मुझे सही याद है तो पिछले महीने का सर्कुलेटेड कुछ 5 से 10 अरब रुपए के करीब बढ़ा है, जो कि 1 40 से 50 अरब रुपए से बढ़ता था। तो बात यह है कि जो आईएमएफ कि ये की रिक्वायरमेंट है इस प्रोग्राम के अंडर कि आप अपने एनर्जी सेक्टर को सही करें। तो जब ये जो 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 हमने ईएनपी सेक्टर में परफॉर्मेंस देखी है, ये हमने सोई नॉर्थ में परफॉर्मेंस देखी है, वो इस वजह से देखी है कि सिंस ओजीडीसी 50% इसकी रेवेन्यू का ऑयल से आता है और 50% गैस से आता है। ऑयल में तो कोई सर्कुलर डेट होता नहीं है क्योंकि ऑयल तो आप कैश पर बेचते हैं, बट गैस में सर्कुलर डेट की वजह से आप गवर्नमेंट को एक्सप्लोर क्योंकि गवर्नमेंट को देते हैं तो वहां पर आपके पैसे फंस जाते हैं। अब गैस की सेंस इन्होंने सर्कुलर रेट कम कर दिया है या एज पर गवर्नमेंट स्टेटमेंट खत्म कर दिया है, तो आई थिंक ओजीडीसी के कैश फ्लो काफी बेहतर हो जाएंगे। फिर बजट जो रिलीज हुआ था फेडरल बजट, उसमें गवर्नमेंट ने ये अज्यूम किया था कि ओजीडीसी से हमें 1900 रुपये डिफरेंट आएगा, यही पिछले साल आठ 10 रुपए हुआ करते थे। ये बेसिकली ये जो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस है और ओजीडीसी के जो कैश फ्लो बेहतर होने की एक्सपेक्टेशन है, इसमें इस वजह से हमने देखा कि ओजीडीसी में काफी अच्छी परफॉर्मेंस आ गई है। दूसरी उसकी जो आप दूसरा पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन के मारी में हमने देखा कि उसमें प्राइस परफॉर्मेंस नहीं आई है। एक्चुअली मारी में प्रॉब्लम यह है कि मारी की अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग है, डिविडेंड इंप्रूव हो रहे हैं, बट मार्केट मारी में प्राइस डिस्कवरी होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह ये है कि ये स्टॉक जो है वो 1500 रुपए का है। इसमें एक्चुअली ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का तो फेवरेट है, बट इसमें एक्चुअली जो प्राइस डिस्कवरी होती है वो इंडिविजुअल की पार्टिसिपेशन की वजह से भी होती है, और वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की जो पार्टिसिपेशन है वो इस स्टॉक में कम है। क्योंकि ओजीडीसी पीपीएल आप लेवरेज पे भी ले सकते हैं, इसका फ्यूचर्स भी है, एमटीएस भी है, और मारी एक्चुअली प्राइस 1500 रुपए है, तो वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए जरा ऐसा एक मेंटल ब्लॉक होता है इतना बड़ा स्टॉक लेना कि यार 100 शेयर ही आएंगे 1.5 लाख रुपए में, यू नो। और उसके बाद इसका फ्यूचर्स भी अवेलेबल नहीं है, इसका लेवरेज भी नहीं होता है एमटीएस वगैरह। तो ये बेसिकली इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की जो है वो पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड आती है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस डिस्कवरी में जो है वो प्रॉब्लम होती है। बट हम ये देखेंगे कि ये स्टॉक जो सस्ते स्टॉक्स होते हैं जब हालात बेहतर होते हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइम तक सस्ते नहीं रह सकते, और वो कुछ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसमें प्राइस डिस्कवरी आ जाती है। अब सिंस ओजीडीसी पीपीएल बहुत अट्रैक्टिव मल्टीपल्स में मिल रहे हैं, जब हम देखेंगे कि इनमें थोड़ी री रेटिंग होगी, इनके पीज रिवाइज होंगे, तो फिर कैपिटल शिफ्ट होगा उसी एक ही सेक्टर के दूसरे स्टॉक में, लाइक मारी के जो अभी भी जो है वो 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है, तो फिर ये री रेटिंग होगा और उसमें फिर कभी फॉरेन इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन आ जाएगी, कभी हाई नेटवर्थ्स की आ जाएगी, या कभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की आ जाएगी, तो विद सम टाइम ये भी री रेट हो जाएगा। सही। अली भाई, पोल क्या श्रिया कंप्लायंस से निकल गया, श्रिया काउंटर से? क्योंकि उसमें भी काफी सेलिंग प्रेशर था, और मेरे एक दोस्त कह रहे थे शायद कोई जो श्रिया वाले फंड्स हैं वो उसको निकाल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो अभी केएमआई इंडेक्स की जो रिकॉम्पोजिशन हुई है, हमने उसमें देखा भी है कि पाको जो है वो उस लिस्ट से निकल गया है, और उसमें बेसिकली शरिया कंप्लायंस के 5-6 रेशियोज होते हैं, और अगर उन रेशियोज पे वो क्वालिफाई नहीं करता है तो स्टॉक निकल जाता है। बट हमने देखा कि उसकी सेलिंग भी कुछ टाइम पर आई कुछ, और फिर जो है वो जब ये हमने मार्केट में देखी कि कुछ 3-4 दिन की जो तेजी भी है, तो वो सेलिंग खत्म हो
कि स्टॉक वापस उसी लेवल पे आ गया जहां से कुछ टाइम के लिए नीचे गिरा है। तो आई थिंक इसमें जब होता यह है कि शरिया कंप्लाइंट वाले स्टॉक्स उनको सेल करते हैं तो स्टॉक तो अच्छा होता ही है, स्टॉक की वैल्यूएशन तो होती है। तो दूसरे इन्वेस्टर्स जो कि कन्वेंशनल फंड्स के होते हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फिर उसको जो है वो पिकअप कर लेते हैं। और हम पाको में तो अभी देखेंगे भी कि फुल ईयर रिजल्ट के साथ एक बहुत अच्छा डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, तो आई थिंक उसकी एंटिसिपेशन में भी काफी लोगों ने इसको बाय किया है। अली भाई, फैसल बैंक जो है वो श्रिया में आया था, श्रिया काउंटर में, या फुली श्रिया कंप्लाइंट हो गया था, बट उसने वो पॉजिटिव साइड भी इतनी नहीं दिखाई, वो मसलसल प्रेशर में ही रहा है। देखिए बैंक्स में जो है ना वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, डोमेस्टिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग का के फियर्स थे, जिसकी वजह से पिछले कुछ 4-6 महीने में इन्होंने परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं किया है। और हमने देखा है कि बहुत अच्छे बैंक्स जो है वो 1 टाइम्स और 1.5 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग्स पर भी ट्रेड कर रहे थे, और उनकी प्राइस टू बुक जो है वो बिलो 0.5 हो गई थी। तो ये अभी तो और सिर्फ परफॉर्मेंस उन बैंक्स में आई थी जिनके डिविडेंड्स बहुत अच्छे थे या जिन्होंने सरप्राइज डिविडेंड्स दिया। एक मिसाल मैं दूंगा एमसीबी बैंक की, कि वो डिविडेंड उसका 24 रुपए है, प्राइस उसकी 120 रुपए है, तो इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी बन रही थी। फिर हमने देखा यूबीएल ने बैंक ने भी पिछले 2 क्वार्टर में सरप्राइज डिविडेंड्स दिए हैं, जिसकी वजह से इसमें भी प्राइस डिस्कवरी आ गई है। अगर इन 2 स्टॉक्स को आप हटा दें तो बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो मीजान हो, चाहे वो अल्फला हो, चाहे वो फैसल हो, चाहे वो नेशनल हो, एनी अदर स्टॉक, चाहे वो अल हबीब हो, HMB हो, किसी में प्राइस डिस्कवरी नहीं आई थी ड्यू टू फियर्स ऑफ डोमेस्टिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। अब सिंस ये वाला फियर ओवर हुआ है, हमने देखा है कि IMF ने भी अपने एटलीस्ट स्टेटमेंट्स में इस तरीके की कोई बात नहीं की। जो लेटर ऑफ इंटेंट हमने साइन करके दिया है जिसमें उन्होंने 9 कंडीशंस की थी, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं की है, उन्होंने ज्यादा फोकस मैक्रो इकोनॉमी पर ही किया है। तो अब हमने देखा कि ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा अल्फला पिछले कुछ दिनों में रीरेट हुआ है, फिर यूबीएल एमसीबी तो वैसे ही बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। तो अब हम देखेंगे कि कुछ बैंक्स पहले कुछ बैंक्स बाद में, लेकिन अब वो भी रीरेट होना शुरू हो जाएंगे, और जिसमें चाहे चाहे फैसल हो, चाहे अल हबीब हो, चाहे मीजान हो, इन सब में अब जो है वो फ्लोज दोबारा आना शुरू हो जाएंगे इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स के। थैंक यू अली भाई। माई लास्ट क्वेश्चन, आई एम सॉरी आई टुक लॉन्गर देन आई नो शुड प्रॉब्लम। हैव। अच्छा, रिफाइनरी सेक्टर की मुझे समझ नहीं आई, दिस यूज टू बी वेरी वोलेटाइल सेक्टर, इसकी कभी मार्जिन्स का आ जाता है इशू, कभी ग्लोबल प्राइसेस का, बट आई एम क्वाइट सरप्राइज इन सम टाइम ये जो सेक्टर है, स्पेशली जैसे अटक रिफाइनरी है, दी स्टॉक्स हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, मार्केट जितनी भी गिरती थी ये स्टेबल ही रहे हैं। तो ये रिफाइनरी में जो इतनी पॉजिटिविटी है, इसकी इसके पीछे क्या स्टोरी है? जी रिफाइनरीज में एक्चुअली एक ट्रिगर जो जो मार्केट एंटिसिपेट कर रही है वो है रिफाइनरी पॉलिसी। और हमने ये देखा है कि ये रिफाइनरी पॉलिसी जो है वो कुछ 2 साल से पेंडिंग है, और उसमें पहले नई रिफाइनरीज को इंसेंटिव्स दे रहे थे, फिर जो लोकल रिफाइनरीज है जो अपने आप को अपग्रेड कर रही है, फिर उन्होंने उसके उसके लिए इंसेंटिव्स पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट किए, फिर ग्रीन फील्ड रिफाइनरीज जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में लगी थी, जिस तरह सऊदिया एक रिफाइनरी लगा रहा था, तो उसको तो उसके लिए पॉलिसी रिवाइज हुई। तो अब होता ये था कि हम जहां रिफाइनरीज में जो है वो एक्साइटमेंट या उसमें इंटरेस्ट कम होता था, हम हर 2 महीने 3 महीने बाद देखते थे न्यूज़पेपर में खबर आती थी किसी सुबह को कि रिफाइनरी पॉलिसी बस अप्रूव हो गई है और ECC पे जा रही है और कैबिनेट में जा रही है। तो ये एक ट्रिगर था जिसकी वजह से जिसने रिफाइनरीज को जो है वो ज्यादा नीचे नहीं गिरने दिया, और जब वो गिरती थी तो उसमें रिकवरी फौरन आ जाती थी। क्योंकि डेफिनेटली अगर ये रिफाइनरी पॉलिसी आती है और सब रिफाइनरीज को अपग्रेड भी करना है और सब इंतजार भी कर रहे हैं कि ये पॉलिसी आए तो हम जो है वो अपने आप को अपग्रेड करें, तो जब आप ये इंसेंटिव्स देंगे लोकल रिफाइनरीज को
और न्यू रिफाइनरीज को, तो न्यू तो ठीक है, बट जब आप लोकल रिफाइनरीज को इंसेंटिव्स देंगे तो इंसेंटिव का मतलब किस तरह है कि आप डायरेक्टली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएंगे और वही प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कैश फ्लोज यूज करेंगे अपने आप को अपग्रेड करने में, और वही कैपिटल दोबारा इंजेक्ट करेंगे। तो ये वाला ट्रिगर जो है वो अभी भी हम रिफाइनरी पॉलिसी का इंतजार ही कर रहे हैं, और लास्ट वीक भी यही खबर थी कि रिफाइनरी पॉलिसी विल बी रिलीज एनी टाइम सून। अब सिंस ये आपने SIFC बना दी है जो कि एक इन्वेस्टमेंट फोरम है, तो शायद इसकी निगरानी में आप रिफाइनरी पॉलिसी को स्पीड अप करके इंट्रोड्यूस कर दें, ताकि आपके पास अगर किसी फ्रेंडली कंट्रीज से कोई इस तरीके का प्रोजेक्ट आना है तो वो आ जाए, और इसके साथ साथ लोकल रिफाइनरीज के लिए भी एक बेनिफिशियल हो जाएगा। तो इसी की एक्सपेक्टेशंस पे हमने देखा कि रिफाइनरी में जो है वो एक्साइटमेंट आई थी लास्ट वीक। थैंक यू अली भाई, एक्सीलेंट एक्सीलेंट डिस्कशन। चलें हमारे ऑडियंस की तरफ जाते हैं। ट्रेड एक्स, अच्छा वासिल वासिल रियाज साहब, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वैक्सलाम जी भाई, गो अहेड। अच्छा सर, मेरा सवाल अली भाई से है, और स्पेसिफिकली एक दो कंपनीज हैं। एक है हेस्कोल पेट्रोलियम, जिसका शेयर पिछले 1-2 सालों में 200 से वापस गया 1 रुपये पे, फिर 1 रुपये से 5 रुपये पे आया बिकॉज ऑफ सम फ्रॉजुलेंट एक्टिविटीज बिटवीन नेशनल बैंक एंड दिस कंपनी। तो मैं जानना चाहूँगा कि हेस्कोल के बारे में अभी आपका करंट क्या व्यू है, क्योंकि मार्केट जो कैप्चर करती है अटक के बाद 30 नंबर पे हेस्कोल पेट्रोलियम आता है, तकरीबन 10% पाकिस्तान में वो कैप्चर कर रही है। तो इस करंट सिचुएशन में, ऑल दो के वो फ्रॉजुलेंट एक्टिविटीज में लविस्ट है, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या आउटलुक है हेस्कोल? देखिए, हैस्कॉल में जो अभी हमने एक रिसेंटली एक नोटिस देखा PA6 में कि ताज पेट्रोलियम, ताज गैसोलीन जो है वो इसको एक्वायर करने में इंटरेस्टेड है, और उसके बाद जो है वो स्टॉक में थोड़े से वॉल्यूम्स भी होना शुरू हुए। एक्चुअली इसकी एक बहुत बड़ी लायबिलिटी खड़ी हुई है बैंक्स के साथ, और जो भी एंटिटी इसको एक्वायर करेगी वो बैंक्स के साथ किस तरह डील करेगी, या जो केसेस इनके चल रहे हैं विथ इन डिफरेंट कोर्ट्स उसको किस तरह डील करेगी, और साथ साथ किस तरह ये इंश्योर करेगी कि वो बिजनेस भी ऑपरेट करता रहे। आई थिंक ताज पेट्रोलियम जो है या ताज गैसोलीन जो है, ये आई थिंक ये एक स्ट्रॉन्ग नेम है जिनका एक्सपीरियंस है प्रायर काफी पुराना OMC स्पेस में काम करने का। तो आई थिंक ये कुछ ना कुछ इस कंपनी के साथ फिगर आउट कर लेंगे। हाउएवर वो अपनी नेगोशिएशंस किस तरह करते हैं, बैंक्स के अपने ये जो डेट रीपेमेंट करना है उसके क्या टर्म्स होते हैं, ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुए हैं कि आप के वो उसके साथ क्या करेंगे, या ये जो एक्विजिशन है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। वॉट आई वुड रिकमेंड इज के अगर मैं इस वक्त कंसर्न होता, अगर हैस्कॉल का कोई सोल्यूशन नहीं निकला होता या ये गोइंग कंसर्न कंपनी नहीं होती, अब सिंस इसमें एक इन्वेस्टर आ गया है और इसको वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह रिस्ट्रक्चर करके बिजनेस को रिवैम्प कर सके, आई थिंक आने वाले दिनों में अगर वो इसको एक्वायर कर लेता है और इसके ऑपरेशंस जो है वो एक्टिवली मैनेज स्टार्ट कर देते हैं, तो आई फोरसी कि इसमें इम्प्रूवमेंट जरूर आनी चाहिए। अली भाई, शेल की कोई अपडेट है? अभी तक ऑफिशियली तो किसी ने बाइंग की का इंटेंट शो नहीं किया, लेकिन स्पेकुलेशंस तो बहुत थी कि दिस कुड बी अ बेस्ट डील फॉर अटक ग्रुप। तो एनी एनी अपडेट ऑन शेल? देखिए, शेल में काफी लोगों के नाम आए, जिसमें हमने एक सऊदीया बेस्ड ग्रुप का नाम भी सुना और फिर अटक ग्रुप का भी नाम सुना। आई थिंक इसके एसेट्स या इसकी प्रेजेंस कंट्री में है, ये किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो काफी जो है वो होगी, बट ये कंपनी इतनी बड़ी है और इसके ऑपरेशंस इतने वाइड है अक्रॉस द कंट्री कि जो भी इसको लेने में इंटरेस्टेड होगा वो उसको इसकी ड्यू डिलिजेंस में और इसकी इस डील की नेगोशिएशंस में थोड़ा टाइम तो लगेगा। आई थिंक हम उसी पीरियड से गुजर रहे हैं जिसमें बैक चैनल्स पर ये वन ऑन वन बिजनेस ग्रुप्स जो है वो इवेलुएट कर रहे हैं इसके एसेट्स को, इसके बिजनेस को। तो आई थिंक हम देखेंगे कि कुछ दिनों में कोई ना कोई नोटिस आएगा जिसमें ऑफिशियल नाम रिलीज होगा कि जिन लोगों
जियो लोग बिट सबमिट करवा रहे होंगे इसके ऑपरेशंस के लिए। सही सही, अभी प्राइस तो सस्टेन कर रही है, इसका मतलब है जैसे ही कोई न्यूज आएगी और एक फिर थोड़ी सी अप्रिसिएशन हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। इंतखाब साहब, जी सलाम अलैकुम जी सलाम साहब, एक मेरा सवाल आपसे है और जी भाई, एक आपसे। जी आप कह भाई, रहे थे कि एक्टिव जो हैं हमारे इन्वेस्टर वो जी जी 2.5 से 3 लाख हैं, इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी होता है या सिर्फ इंडिविजुअल की आप बात कर रहे हैं? ये हम अली भाई से ही पूछ लेते हैं, आप दूसरा क्वेश्चन भी पूछें, इनको ज्यादा पता होगा मुझसे क्योंकि इनका तो डेली का काम है ये। मैंने तो सिर्फ एक रिपोर्ट ही देखी थी, वो एक दोस्त है उन्होंने शेयर की थी ट्विटर पे, और उस पे मेरे ख्याल वो टोटल अकाउंट्स ही थे, नॉट ओनली रिटेल। दूसरा क्वेश्चन भी कर लें तो अली भाई से दोनों पूछ लेते हैं। दूसरा सवाल मेरा, आज की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई है उसमें उसके बारे में क्या क्या देख रहे हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर? आज के दिन में ही कैबिनेट अप्रूव की है, तो ये दो क्वेश्चन है मेरे जी। जी बिल्कुल। पहले आपके पहले सवाल जो आपकी है कि ये जो 2.5 लाख या 3 लाख नंबर ऑफ अकाउंट्स के सुनते हैं, ये एक्चुअली UINs होते हैं जिसका हम यूनिक अस्सलाम वालेकुम सर। आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, और जो भी इन्वेस्टर जो है वो इन अकाउंट खुलवाता है स्टॉक एक्सचेंज में, उसको UIN इशू होता है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो, या चाहे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो। तो मार्केट में 2.5 से 3 लाख UIN है, इसका मतलब है कि इसके 2.5 से 3 लाख में हर तरीके का इन्वेस्टर इंक्लूडेड है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी, इंस्टीट्यूशनल्स भी, म्यूचुअल फंड, बैंक, फॉरन कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल्स और जो लोकल इंडिविजुअल्स है वो सारे इंक्लूडेड है। दूसरा, आपने जो ये पॉलिसी का सवाल पूछा जो कि ये जो कैबिनेट से अप्रूव हुई है, देखें हमने पहले भी देखा है कि कैबिनेट से या ECC से बहुत सारी चीजें अप्रूव हो जाती हैं, और चाहे वो आपको याद होगा रिफाइनरी पॉलिसी भी ECC से अप्रूव हो गई थी, पे कैबिनेट से भी अप्रूव हो गई थी, अभी तक आई नहीं वो पॉलिसी। तो आई थिंक पाकिस्तान में प्रॉब्लम जो है वो पॉलिसी की बनना नहीं, उसके इम्प्लीमेंटेशन का होता है। अगर ये पॉलिसी जो इन्होंने अप्रूव की है, जब मार्केट दिखेगी कि ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छा इसमें मार्केट में एक अच्छा जो है वो आएगी, इस एक्साइटमेंट आएगी इस मार्केट में। बट अगर ये एक पॉलिसी सिर्फ अप्रूवल की हद तक रही और इम्प्लीमेंटेशन इसकी एग्जीक्यूशन पे कोई काम नहीं हुआ, तो आई थिंक ये मार्केट इसको नॉन इवेंट लेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन अली भाई से है। सर, कोलगेट कंपनी के हवाले से, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए, कोलगेट पाकिस्तान हमें ये अगर आप एक्सेल ये बिजनेस देखें तो बिजनेस बहुत अच्छा है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, रेवेन्यूज ग्रो कर रहे हैं, अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। बट आप ये जो इन्होंने कुछ पे आउट किया था कुछ टाइम पहले, उसके बाद हमने देखा कि इसकी प्राइस में काफी अच्छा एक प्राइस एक्शन आया है, प्राइस बढ़ी है इसकी, और फिर ये एक्स प्राइस होने के बाद भी इंक्रीज हो गया है। तो आई थिंक हमें अगर कोई तो मैं इस पर कमेंट शायद ना कर सकूं कि आज ये लेने से अगले महीने क्या हो जाएगी इसकी प्राइस, या अगले कुछ दिनों में क्या हो जाएगी ये प्राइस। बट डेफिनेटली इसके रेवेन्यूज, ये कंपनी इतनी अच्छी है, इसके प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बेहतर, इसके पेआउट्स इतने अच्छे हैं कि ये आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ टाइम में जो है ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होगी। थैंक यू सो मच सर। अली अली भाई, ये जो इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स किया थोड़ा सा, उसकी वजह से ऑटो में एक अच्छी रैली बनी है, तो आपको लगता है कि ये सस्टेन होगी? क्योंकि अगर हम रिपोर्ट्स देखते हैं तो उसमें ये पिछले 1-2 साल में जो सबसे ज्यादा मार पड़ी है वो ऑटो सेक्टर को ही पड़ी है। जी बिल्कुल। देखिए, ऑटो सेक्टर में ना दो दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है कि इंपोर्ट रिस्ट्रक्चर इंपोर्ट की लिमिटेड इंपोर्ट्स थी,
और दूसरा एक प्रॉब्लम जो इस सेक्टर में है वो इसकी के ऑटोस की प्राइस जो है वो लेट्स से पिछले 2 साल 3 साल में कम से कम डबल ही हो गई है। जो गाड़ी आज से 2 साल 3 साल पहले 4 मिलियन रुपए की थी वो अब 7 और 8 मिलियन रुपए की हो गई है। तो इसमें एक्चुअली एक प्रॉब्लम इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह के अलावा जो है वो आपकी जो गाड़ी की प्राइस या उसकी डिमांड है वो भी है नंबर 2। और फिर आपने देखा कि कुछ गाड़ियां जो है वो कार फाइनेंसिंग के थ्रू भी जो है वो बिकती हैं, तो जब आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% हो गया है तो आपको कार फाइनेंसिंग K+2 K+3 पर होती है, तो 25% पर कार फाइनेंसिंग करवाना वो भी नंबर हमने देखा काफी तेजी से कम हुआ है। तो इसमें दो तीन फैक्टर्स हैं बट ये जो आपकी इम्पोर्ट पर जो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ग्रेजुअली अब कम हो रही है, तो एटलीस्ट इनको गाड़ियों की अवेलेबिलिटी या पार्ट्स की अवेलेबिलिटी वाला प्रॉब्लम तो आगे आने वाले कुछ हफ्तों कुछ महीनों में नहीं होगा, बट देन शायद इस ऑटोज की डिमांड पिकअप करते हुए ग्रेजुअली थोड़ा टाइम लगे। और बट हैविंग सेड दैट हमने ये भी देखा है कि ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ऑटोज जो है वो काफी ज्यादा जो है वो नीचे आ गए हैं प्राइस वाइज भी वैल्यूएशन वाइज भी। मेरे एक दोस्त अक्सर एक एक नंबर जो है वो कहते हैं कि पार्क सुजुकी जो है वो आज से 5 साल पहले कुछ 700 मिलियन डॉलर की कंपनी हुआ करती थी और आज ये कंपनी डॉलर टर्म में सिर्फ 28 मिलियन डॉलर की कंपनी है। तो कहाँ 700 मिलियन डॉलर और कहाँ 28 मिलियन डॉलर। तो डेफिनेटली जो चैलेंजेस है इस सेक्टर को ये सेक्टर में उसको ये उनकी वैल्यूएशंस और उसकी प्राइस में भी इनकॉर्पोरेटेड है, और हम देखेंगे कि जब चीजें थोड़ी ग्रेजुअली बेहतर होना शुरू होगी तो ये वैल्यूएशंस भी इसकी जो है वो और प्राइस भी इसकी बेहतर होना शुरू होगी। थैंक यू वसील रियाज। जी थैंक यू सर। वासिल रियाज नाम है सर। वासिल जी भाई। ये अली भाई से ही क्वेश्चन है और ओएमसी सेक्टर से ही रिलेटेड है। इसमें टॉप की जो कंपनीज हैं जिस तरह अटक हो गया, शेल हो गया, हैस्कोल हो गया, इसके अलावा पीएसओ हो गया, तो अली भाई से क्वेश्चन ये है कि वो कौन से फीचर्स या पैरामीटर्स होंगे जिनको मद्देनजर रखते हुए आपकी जो कंपनी है वो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए लेट से 4 to 5 years कोई एक ऐसी कंपनी जिसमें आप कहें कि लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूंगा, और एक वो कौन सी कंपनी है जिसको कहेंगे कि मैं इसको कभी नहीं मतलब छेड़ूंगा, अगर इसके बारे में थोड़ा बता सकें, और वो क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? जी देखिए ओएमसी सेक्टर में आपने जो क्वेश्चन किया उसमें आई वुड अज्यूम कि आप एक्चुअली जो हमारी पीएसएक्स की सेक्टर की कॉम्पोजिशन है उसमें ओएमसी सेक्टर में सुई साउथ और सुई नॉर्थ भी आता है, तो आई अज्यूम ये गैस को आप जो है वो हटा दें, और ये अगर ये चार कंपनीज जो आपने नाम लिए वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के, ठीक है, इसमें मैं एक सेक्टर का एक इसमें एक रिस्क क्या है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर सेक्टर के जो है वो रिस्क के या उसके चैलेंजेस भी आपको बता दूं और उसके आगे की जो बेहतर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी बता दूं। देखिए इस सेक्टर में ओएमसी में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता था, इसमें एक रिस्क होता था या है वो सर्कुलर डेट का है। हमने देखा पीएसओ के बहुत सारे पैसे जो है वो सर्कुलर डेट में फंस जाते हैं जिसकी वजह से वो अर्निंग्स तो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट करता है बट उसका पे आउट नहीं होता। सेकंड इस सेक्टर में चैलेंज है इन्वेंटरी गेन लॉसेस या एफएक्स के गेन लॉसेस के, और ये पूरे अक्रॉस द बोर्ड पूरे सेक्टर का प्रॉब्लम है। तो कुछ पिछले महीनों में जो गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस चेंज किए हैं उसमें एफएक्स जी सॉरी मैं पता नहीं कहाँ था बट मैं थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करता हूँ। ओएमसी सेक्टर में एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये था कि ये सर्कुलर डेट में जो है वो फंस जाता था, और ये आपकी खासतौर पे हमने पीएसओ में देखा कि जिस तरीके से अर्निंग्स आती थी बट पेआउट्स नहीं आते थे, तो एक प्रॉब्लम इनका सर्कुलर डेट था, दूसरा प्रॉब्लम इनका इन्वेंट्री लॉसेस और एफएक्स गेन्स या लॉसेस हुआ करते थे। अब हमने देखा कि लास्ट कुछ 4 6 महीनों में जो गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके की रेगुलेशंस बनाई जिसमें एफएक्स लॉसेस उनको अलाउ कर दिया कि वो प्राइस में इनकॉर्पोरेट कर सके, तो
बट इन्वेंट्री गेन या लॉस वाला फैक्टर अभी भी है। अगर आप मुझसे मेरी ओएमसीज में पिक्स पूछेंगे तो मेरा फेवरेट हमेशा ओएमसीज में अटक पेट्रोलियम रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर डेट में भी नहीं फंसता है, इसकी अर्निंग्स भी अच्छी होती है और ये पे आउट भी बिटवीन 50-60% पे आउट कर देता है, और इसमें चांसेस भी होता है कि इसमें बेहतर पे आउट आ सके। तो अगर आप मुझसे जो 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 कि मेरी रैंकिंग पूछेंगे तो आई थिंक मैं ओएमसी स्पेस में अटक पेट्रोलियम मेरा फेवरेट होगा, फिर पीएसओ होगा, शेल का भी आउटलुक क्लियर नहीं है, हैसलॉक कॉल का आउटलुक क्लियर नहीं है। आई थिंक इसमें एक स्मॉल कैप कंपनी हाईटेक लुब्रिकेंट है जो कि अभी ओएमसी स्पेस में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है। आई थिंक ये एक स्मॉल और मिड कैप स्टॉक है, आई थिंक इसको भी बहुत एक्टिवली देखना चाहिए इन्वेस्टर्स को, आई थिंक इसमें अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। अगर आप मुझसे पिक पूछे तो मैं हाईटेक लुब्रिकेंट्स और अटक पेट्रोलियम कहूंगा, और अगर आप कहें ये कोई स्टॉक में कभी नहीं लूंगा, आई थिंक ऐसा कोई स्टॉक नहीं है स्पेस में। आई वुड शायद अगर आप अभी आप ये पूछें कि प्रेफरेंस आपकी सबसे कम कौन सी है तो शायद मैं हैस्कॉल का नाम लूँ, क्योंकि इसकी अभी बिजनेस आउटलुक इसका अभी क्लियर नहीं है कि अब आप आगे आके क्या होता है, बट आई थिंक थर्ड पे मेरा पीएसओ होगा, फोर्थ पे शेल होगा और फिफ्थ पे हैस्कॉल होगा। जुनेद सलाम अलैकुम जी, अली नवाज साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने टेक्सटाइल के सेक्टर के बारे में नहीं बताया, जैसे गुल्लेमद है, निषाद है, आईएलपी वगैरह, इनका कोई स्कोप है नजर आ रहा है इस रैली में? जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल मुझे टेक्सटाइल सेक्टर यहाँ से बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। आई थिंक ये सेक्टर जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम इस वजह से भी रहा है क्योंकि हम इसको भी थोड़ा सा कॉटन इम्पोर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि इम्पोर्ट आप लिमिटेड कर पा रहे थे, और फिर आपकी इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो स्लो थी क्योंकि दुनिया भर में थोड़ा सा रिसेशन, उनकी भी इकोनॉमीज जो है वो कूल डाउन हो रही है, वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। तो बट आई थिंक ये प्राइस में इनकॉर्पोरेट हो चुका है, हम यहाँ से देखेंगे कि करेंसी अब स्टेबल हो गई है और आई थिंक हम करेंसी को मार्केट पे छोड़ेंगे तो आई थिंक वो यहाँ पर इनके मार्जिन्स भी बेहतर रहेंगे, करेंसी पिछले एक साल में डिवैल्यू भी 27-30% हो गई है, तो इनके इस साल के मार्जिन भी बेहतर रहेंगे, वॉल्यूम्स ग्रेजुअली पिकअप कर रहे हैं। आई थिंक इस बार हमारी कॉटन क्रॉप भी अच्छी है, हमारे पास कुछ डॉलर की भी अवेलेबिलिटी होगी कि अगर कुछ लोगों को कॉटन इम्पोर्ट करना है तो वो भी कर सकेंगे। तो आई थिंक यहाँ पर टेक्सटाइल स्पेस में जो कॉमनली या एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक है, निशात मिल, इंटरलूप लिमिटेड, गुल अहमद, ये तीनों स्टॉक्स बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अली भाई अभी कुछ न्यूज आ रही थी ये जीएसपी प्लस की के वो आ रहे हैं कुछ फील्ड इंस्पेक्शन के लिए। जी बिल्कुल, और आई थिंक न्यूज फ्लो जो इस पर है ये सब अभी तक पॉजिटिव ही है कि शायद हमें ये जीएसपी प्लस स्टेटस मिल जाएगा, और हम तो जो उनकी रिकमेंडेशन होती है हम देर या सवेर हम इम्प्लीमेंट कर ही देते हैं, तो आई थिंक ये कोई फर्दर इसको हमें एक्सटेंशन अगर जीएसपी स्टेटस का लेने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सही, मैं भी कोई पीएम मैंगो की पेटियां भेज के काम निकलवा ही लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी फराज जी, मेरा क्वेश्चन अली भाई से है बैंक्स के मुतालिक, कि बैंक्स मोस्टली जो गवर्नमेंट का डेट है वो पाक रुपी में है, लेकिन हमें पाक रुपी में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है डिफॉल्ट का, वो तो हमारा डॉलर्स का प्रॉब्लम है जो डिफॉल्ट का है, तो वो कब तक री रेट होने के इश्यूज नज़र आते, चांसेस नज़र आते हैं, क्योंकि प्राइस टू बुक बहुत ही अट्रैक्टिव है, हाफ द प्राइस टू बुक मोस्ट ऑफ द बैंक्स बिक रहे हैं, तो इस बारे में आपका ओपिनियन चाहिए था। जी बिल्कुल, देखिए इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि एक्चुअली बात डोमेस्टिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग की या डोमेस्टिक डिफॉल्ट की क्यों हुई थी। होता यह है कि जब आप कोई प्रोग्राम सिक्योर नहीं कर पाते हैं और जब आप फॉरेन डेट रीपे नहीं कर पाते हैं तो होता यह है कि आप की करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से आपका डेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब होगा होता यह है कि जब आप डिफॉल्ट करते हैं या आप जब डेट रिस्ट्रक्चर करवाने जाते हैं तो आप
को जो फॉरेन आपका जिस जो, जो जिसने आपको डेट दिया होता है, जो कि फॉरेन कोई इंस्टीट्यूशन होता है, वो आपसे ये कहता है कि आप हम हमें तो कहते हैं कि, फिर वो आपका एक्चुअली डेट का टारगेट देता है, वो कहता है कि अच्छा आप ये किस तरह इंश्योर करेंगे कि आप मुझे 5 साल बाद पैसे दे सकते हैं, तो वो आपको डेट टू जीडीपी का टारगेट देता है कि आप अपने डेट टू जीडीपी को सस्टेनेबली जो है वो नीचे लेकर आए। अब जब आपका डेट टू जीडीपी कैलकुलेट होता है, वो फॉरन और लोकल डेट दोनों मिलाकर होता है, तो वो आपसे ये कहते हैं कि जब आप हमें तो कहते हैं कि आप हेयर कट ले लें या हम आपको पैसे बाद में देंगे, लेकिन आपको आप लोकल जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं या जो आपका लोकल डेट है, अगर आप डेट टू जीडीपी रेशियो को सस्टेनेबली नीचे लाएंगे तो आप लोकल डेट का भी कुछ करें, आप हमसे तो रिस्ट्रक्चर करवा के चले जाएंगे, लेकिन अगर आपका लोकल डेट कंसिस्टेंटली बढ़ता रहेगा तो आप तो किसी किसी जगह पहुंचेंगे ही नहीं, आप फॉरेन कम कर देंगे, आपका लोकल डेट बढ़ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम की वजह से जो हमने देखा श्रीलंका में भी और घाना में भी, उन्होंने जब आप फॉरेन डेट रिस्ट्रक्चर करवाने गए तो आप तो उन्होंने साथ लोकल डेट भी रिस्ट्रक्चर करवाया। तो ये एक रिश्ता बैंकिंग सेक्टर में, बट हमने देखा कि अब जो है वो ये आईएमएफ प्रोग्राम जब हमें मिल गया है, इसकी कोई ऐसी प्रीवियस रिक्वायरमेंट नहीं थी और ना ही ऐसा उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है कि आप इसको कंसिडर करें, देखें, इवेलुएट करें, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था, जिसकी वजह से अब बैंकिंग सेक्टर में अब जो है वो कॉन्फिडेंस दोबारा शुरू हुआ है। और आई थिंक हम देखेंगे कि जिस तरह मार्केट ग्रेजुअली इंप्रूव होगी, आई थिंक सारे बैंक्स अपने लो से 10-10% बढ़ गए हैं ये जो पिछले एक हफ्ते की रैली थी, तो अब सिंस जो है वो जैसे जैसे ग्रेजुअली मार्केट बेहतर होगी तो ये बैंकिंग सेक्टर भी रेट होता जाएगा। कुद्दूस भाई, अस्सलाम वालेकुम खिजर भाई, अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दो क्विक क्वेश्चन है, तो मैं ये बैंक इस्लामिक की जो बैंक के साथ मर्जर है उसके बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाह रहा था कि उस पे क्या अफेक्ट आएगा और क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा। दूसरा ये कि फर्टिलाइजर सेक्टर को हम अभी नियर बाय फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं, या जब मार्केट अगर सही तरीके से अगर पॉजिटिव की तरफ और जाती है तो उस वक्त क्या उसकी सिचुएशन होगी। जी बिल्कुल, देखिए आपका पहला सवाल विद रिगार्ड्स टू बैंक इस्लामी है, बैंक इस्लामी ने जेएस बैंक ने टेंडर ऑफर दे दिया है, बैंक इस्लामी लेने के लिए कट ऑफ डेट्स भी आ गए, टेंडर ऑफर की आई थिंक 15 अगस्त से 21 अगस्त का दरमियान है जिसमें आपको टेंडर ऑफर देनी है। प्राइस इस वक्त कुछ 18.5-19 रुपए है, टेंडर ऑफर कुछ 24 रुपए के करीब आ रहा है, और ये जो है वो बिटवीन कहीं 50% टू 83% के करीब जो है वो इसकी जो टेंडर ऑफर का पिकअप रेट है वो आ सकता है। तो आई थिंक बैंक इस्लामी जो है वो इस टेंडर ऑफर के ट्रिगर की वजह से इस वक्त बेहतर है, बट आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये आपको इवेलुएट करना होगा कि जब आपने मिसालन लेट्स अज्यूम कि आपके पास 100 शेयर है, आपने 50 शेयर जो है वो टेंडर ऑफर में भेज दिए 24 रुपए पे, रिमेनिंग आपके पास 50 शेयर रह गए, उस वक्त मार्केट प्राइस 18, 19, 20 या 24 जो भी होगी मार्केट प्राइस उस वक्त, आपको ये इवेलुएट करना है कि मिसालन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि फैसल बैंक भी इस्लामिक बैंक है, बैंक इस्लामी भी इस्लामिक बैंक है, फैसल बैंक जो है वो उसकी अर्निंग आएगी 8-9 रुपए और बैंक इस्लामी आएगी 4-5 रुपए, तो क्या मुझे 18, 19, 20, 21, 22 जो भी बैंक इस्लामी का रेट होगा, मुझे क्या 18, 19, 20 रुपए पे बैंक इस्लामी रखना है जो कि 4-5 रुपए अर्निंग कमाता है, या मुझे फैसल बैंक रखना है जो कि 8-9 रुपए अर्निंग करवाता है और 22 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक ये आपका एक डिसीजन होगा कि आप उसको किस आप पीयर बैंक के साथ किस तरह कंपेयर करते हैं और फिर आप रिमेनिंग शेयर्स रखने में किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। जो आपका दूसरा सवाल है विद रिगार्ड्स टू फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर देखें स्टॉक जो है वो हमेशा से स्टॉक एक्सचेंज में रहा है टू अर्न डिविडेंड्स रादर देन टू अर्न कैपिटल गेन, ये एक बहुत ही स्टेबल सेक्टर है जिसके मार्जिन्स जो है वो स्टेबल मार्जिन्स होते हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले साल क्या सेल्स होंगी, क्या मार्जिन्स होंगे और क्या डिविडेंड्स होंगे। आई थिंक जो भी 3 फर्टिलाइजर कंपनीज या 4 फर्टिलाइजर कंपनीज हैं वो सब जो है वो आर नोन टू गिव गुड डिविडेंड्स, चाहे वो FFC हो, चाहे वो एंग्रो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो एंग्रो कॉरपोरेशन हो, चाहे वो फातिमा फर्टिलाइजर हो। आई थिंक FFBL थोड़ा सा जो है वो डैप और उसमें ज्यादा है,
और उसको कुछ लॉसेस अपने जो दूसरी एसोसिएटेड कंपनी सब्सिडरीज हैं उसके गेन लॉसेस का भी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो शायद वो थोड़ा सा फिर भी जो है वो डिफरेंट स्टॉक है. बट फर्टिलाइजर सेक्टर का आउटलुक जो है वो आगे बेहतर ही है. आई थिंक डिविडेंड यील्ड्स जो बहुत अट्रैक्टिव है इस सेक्टर की, और वो कंटिन्यू होती हुई ही रहती है आगे कुछ सालों में. एम जी, अस्सलाम वालेकुम. मेरा सवाल अली नवाज साहब से. सर, एक तो मुझे आप थोड़ा क्लियर कर दें, हम डेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, लेकिन वो थोड़ा वर्ड जो उनसे हमारे लिए सूट नहीं करता, क्योंकि हमारे जो डेट है वो तो मुल्कों के साथ हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, चाइना या दूसरे मुल्कों के साथ, तो वो रीप्रोफाइलिंग नहीं होगी. और अगर हम रीप्रोफाइलिंग में जाते हैं तो वो आसान फार्मूला नहीं है, बनिस्बत के हम ये जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग का. एक तो ये. अच्छा, दूसरा आपसे मेरा क्वेश्चन ये रिफाइनरी पॉलिसी के लिए, चाम रिफाइनरी पॉलिसी का है, अगर होती है मिल जाती है तो इसमें जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें सबसे ज्यादा बेनिफिशरी कौन सी, यानी कि उनमें सबसे सस्ता अपग्रेड कौन कर पाएगा, और अगर ये नहीं मिलती सपोज किया तो रिफाइनरीज के लिए रिस्क फैक्टर कौन सा है, मुझे ये दो सवालों के जवाब दे दें. देखिए, आपका पहला सवाल विद रिगार्ड्स टू रिस्ट्रक्चरिंग का बिल्कुल ठीक है कि हमारा ज्यादा डेट जो है वो बायलैटरल पार्टनर्स के साथ है, बट हमारा कुछ डेट जो है वो मल्टीलैटरल के साथ भी है और कमर्शियल बैंक्स के साथ भी है और यूरो बॉन्ड्स भी है. तो मिसालन मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर हमारा 100 रुपए का डेट है और उसमें से 70 रुपए आपका बायलैटरल पार्टनर्स के साथ है और 30 रुपए अगर आपका मल्टीलैटरल मतलब IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, कमर्शियल मतलब आपने जो वहां की चाइना की कमर्शियल बैंक से लिया हुआ है या गल्फ की गल्फ रीजन की कमर्शियल बैंक से लिया है या आपने यूरो बॉन्ड से बोरो किया है सुकूक इशू करके या बॉन्ड इशू करके. अब बात यह कि आप $4 अरब के रिजर्व के साथ अगर आप जाएंगे तो आपका डेट, तो आपकी बात सही है कि बायलैटरल पार्टनर के साथ है, लेकिन $4 अरब के रिजर्व्स के साथ तो आप क्योंकि मल्टीलैटरल तो रीप्रोफाइल या रीस्ट्रक्चर नहीं करता, या यूरो बॉन्ड को रीप्रोफाइल या रीस्ट्रक्चर करवाने का मतलब ही डिफॉल्ट होता है, या कमर्शियल बैंक को अगर आपने पे नहीं किया या इसको रीप्रोफाइल या रीस्ट्रक्चर करवाया तो टेक्निकली इन 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 अदर टर्म्स जो है वो ये डिफॉल्ट ही होता है अगर आप कमर्शियल किसी भी सोर्सेस के पास इस तरीके का प्रपोजल लेकर जाते हैं. तो आई थिंक जब $4 अरब आपके पास थे और जो जो आगे आप तो अगर किसी का चले 20 में आप मेजर आप बायलैटरल का रोल ओवर भी करवा देंगे या रीप्रोफाइल भी करवा देंगे, लेकिन आप अरब या $2 अरब भी मल्टीलैटरल या कमर्शियल डेट रीपे करने की पोजीशन में नहीं थे, तभी बहुत ज्यादा लफ्ज जो है ना वो डेट रीस्ट्रक्चरिंग या डेट रीस्ट्रक्चरिंग या डेट रीप्रोफाइलिंग दोनों का यूज होता है. फिर इसमें एक दूसरा फैक्टर देखने की बात ये होती है कि पहले आप तो कुछ भी इस लफ्ज को यूज कर दें कि आप डेट रीप्रोफाइल कर दें या डेट रीस्ट्रक्चर कर दें या डेट को आप माफ करवाने के लिए चले जाएं, लेकिन एक्चुअली आपको इसमें बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है कि जो आपका बायलैटरल पार्टनर है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है या वो आपको क्या प्रपोज करता है. आप हमने ये देखा है कि जब हमें कुछ पिछले 4-6 महीनों में जरूरत हुई तो इस बार तो हमें किसी ने $1 अरब भी नहीं दिए, तो क्या वो डेट रीस्ट्रक्चर या रीप्रोफाइल करवाने पर वो हमें किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स थे. और ये क्वेश्चन मार्क्स होने की वजह से ही हमने मार्केट में देखा कि जो है वो काफी सेंटिमेंट जो है वो लो थे. However, I think अब तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए खत्म हो गए हैं. अगर हमने एक लेसन अच्छा ले लिया है अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी ने और या हमारी गवर्नमेंट ने, अब अगली बार आई थिंक काम जो है वो पहले से शुरू हो जाएगा ताकि हम इस लेवल पर आकर फंस जाए अगले 9 महीने बाद. जो आपका दूसरा सवाल है विथ रिगार्ड्स टू रिफाइनरी पॉलिसी, आई थिंक जो जितना बेहतर पिछले 1-2 साल अटक रिफाइनरी के हुए हैं, आई थिंक इसका कैश फ्लो बहुत अच्छा है. अगर आप इसकी बैलेंस शीट पे देखें तो जितनी शेयर प्राइस है तकरीबन उससे ज्यादा का कैश पड़ा हुआ है. तो आई थिंक अटक रिफाइनरी जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है कि ये रिफाइनरी पॉलिसी आते ही जो है वो अपनी इंटरनल कैश फ्लो से और बहुत थोड़ा डेट लेकर जो है वो अपने आप को अपग्रेड कर ले, तो इसका और इसका सबसे अच्छा बेनिफिशियरी अटक रिफाइनरी होगा.
और अगर आप मुझसे पूछे सेकंड नंबर पर कौन बेनिफिशियरी है तो वो पीआरएल है। थैंक यू अली भाई। अली भाई लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। अभी मैं ट्विटर टाइमलाइन देख रहा था तो मेरा ख्याल है किसी ने माइंड किया है, आई डोंट नो इफ दैट पर्सन इज रेफरिंग टू अस, बट उसने कहा है कि जी ओजीडीसी की कॉल दी है और मतलब माइंड कर लिया है कि ओजीडीसी के बारे में शायद आपने पॉजिटिवली कुछ कहा है, तो हाउ वुड यू लाइक टू रिएक्ट ऑन दैट? Sir, मतलब there is a history for OGDC PPL इस तरह के stocks में, तो I think there are a lot of people who get a bit emotional positively negatively। जी I think अगर कोई specific comment नहीं है जिसको मैं address कर सकूँ तो मैं एक general comment को उसको इस तरह address करता हूँ कि देखें इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपकी EMP sectors ने जो है वो पिछले कुछ सालों में perform नहीं किया है, कोई इसमें दो राय नहीं है। आई थिंक अगर उनकी नाराजगी है तो ये बिल्कुल सही है, और आई थिंक अगर उनकी नाराजगी खास तौर पे इक्विटी ब्रोकर की कॉल्स से है कि पिछले 4-5 साल में जो है वो हर साल आई थिंक इक्विटी ब्रोकर्स की जो एनुअल स्ट्रेटेजी होती है उसमें ओजीडीसी टॉप पिक होता है बट स्टिल उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती है। एक्चुअली देखें अगर आप अभी मार्केट की परफॉर्मेंस को छोड़ दें और अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आप छोड़ दें कि ओजीडीसी की प्राइस परफॉर्मेंस क्या रही है, आप समझे ओजीडीसी एक अनलिस्टेड कंपनी रही है, और मैं आपसे कहूं कि एक कंपनी आपको 80 रुपए में मिल रही है या शायद उस वक्त तो 70 रुपए में मिल रही थी, तो 70 रुपए में कंपनी मिल रही है जिसकी अर्निंग पर शेयर 40 से 50 रुपए के दरमियान है, ठीक है, और अगर आप इसका जरा सा छोटा सा भी थोड़ा सा प्रॉब्लम इसका बेहतर कर दें तो ये आराम से 10-15 रुपए पर शेयर कैश डिविडेंड दे सकती है, और जैसे ही डॉलर हर साल डीवैल्यू होता है, इसकी डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यूज है, ये जो प्रोडक्ट एक्सप्लोर करती है ऑयल या गैस वो 100% बिक जाता है, तो अभी अगर आप फंडामेंटली या इसके बिजनेस मॉडल को इवेलुएट करें तो आप इस पर चाहकर भी बेयर कॉल या वो नहीं दे सकेंगे। हाउएवर एक्सपेक्टेशन हर साल होती है कि ये डिविडेंड दे देगा, बट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एक्सपेक्टेशन से कम डिविडेंड आता है जिसकी वजह से ये लोग इसकी प्राइस परफॉर्मेंस नहीं आती है। फिर इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर पिछले 5 सालों में ये भी रहा है कि आपका फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो जो देखिए एक वक्त पर जो है ना वो आपकी PSX में फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग $8 अरब की थी जो कि आज शायद $1.5 अरब की भी नहीं है, तो ये पिछले 5-7 सालों में आपकी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इस मार्केट से एग्जिट किया है, और वो ओजीडीसी उसका टॉप फेवरेट स्टॉक हुआ करता था। मतलब मुझे बहुत अच्छी तरह याद है ओजीडीसी जब 250-225 रुपए पे ट्रेड करता था तो एक बहुत बड़ा फंड था टेम्पल्टन, उसके पास आपका 60-70% फ्री फ्लोट ही उसके पास हुआ करता था, और वो उसकी फ्लैगशिप जो उसका फंड था उसकी टॉप होल्डिंग्स में आता था ओजीडीसी और एमसीबी बैंक, और हमने देखा कि उसने पिछले 5 साल लगे उसको अपनी ओजीडीसी की शेयर होल्डिंग बेचने में क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी होल्डिंग थी, तो हमने ये देखा कि पिछले 5-7 सालों में प्राइस परफॉर्मेंस इस वजह से नहीं आई क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स कंटिन्यूसली उस शेयर को बेच रहे थे, पहली बात। दूसरी बात ये सर्कुलर डेट में ग्रेजुअली सस्ता चला गया जिसकी वजह से इसके डिफरेंस नहीं है, बट अगर आप उसको नंबर्स पर देखें तो आप नंबर्स में चाहकर भी आप उसको सेल कॉल नहीं दे सकते, और हमने देखा कि शायद आपने देखा होगा कि UBL जो है वो एक कुछ महीनों की बात है या शायद कुछ हफ्तों की बात है ये 100 रुपए से भी नीचे भी चला गया था, बट एक क्वार्टर का डिविडेंड आया और फिर दूसरे क्वार्टर का अच्छा डिविडेंड आया वो जो कि सरप्राइज डिविडेंड था जो एनालिस्ट मार्केट कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, और इन बुरे हालात में भी स्टॉक जो है वो 30% बढ़ गया है कुछ हफ्तों के अंदर, तो हम ओजीडीसी में भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह आप थोड़ा काम होना शुरू हुआ है, और आपने देखा है कि अगर यूएई ने भी अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो उन्होंने कहा ही है कि हमें जो है वो ईएनपी कंपनीज में स्टेक चाहिए, तो कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, उसके बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का है प्राइस परफॉर्मेंस में, मार्केट में प्राइस परफॉर्मेंस नहीं आती। आई थिंक वो कोई भी ट्रिगर हो सकता है, वो चाहे यूएई की डील हो सकती है, वो डिविडेंड बेटर डिविडेंड अनाउंसमेंट हो सकता है, लेकिन ये जब भी होगा आई थिंक नंबर्स पे ये जस्टिफाई करता है जिसकी वजह से हमसे रेकमेंड। थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और ये स्पेसेस करने का मतलब ही ये है कि हम जो इश्यूज हैं
उनको डिस्कस कर सकें। आई वॉज फीलिंग लिल बिट डाउन दिस मॉर्निंग, मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था कुछ सेक्टर पे एक्सपर्ट्स को ढूंढूं, जब कुछ दोस्त रेफर करते हैं उनके पास जाता हूं तो बहुत सारे लोग दे आर नॉट विलिंग टू स्पीक ऑन दिस काइंड ऑफ फोरम। और फिर ये मुझे तकलीफ भी होती है कि बहुत सारा आप मीडिया पढ़ेंगे ना तो लोग रेडिकूल कर रहे होंगे, लोग मॉक कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग ब्रोकर्स के खिलाफ भी बात कर रहे होंगे कि कॉल क्यों देते हैं, बट एट द सेम टाइम दे देमसेल्फ डोंट वांट टू टॉक, दे डोंट वांट टू एजुकेट, दे डोंट वांट टू ऐड एनी वैल्यू, दे डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट। सो मुझे नहीं लगता कि इस तरह वी विल ऐड एनी वैल्यू। अगर आपको नॉलेज है, अगर आप समझते हैं कि ये चीज़ जो है ये गलत एक्सप्लेन की गई है, उसी टाइम आप आके उसको मेरे ख्याल है क्लैरिफाई करेंगे तो इसमें सबका फायदा होगा, एंड दैट्स द पर्पज ऑफ डूइंग दिस डिस्कशन। जी बिल्कुल सही बात है खिजर भाई। एक्चुअली देखिए, जब एक आप कंपनी को या आप किसी एक इकोनॉमी को या आप किसी भी फैक्टर को डिस्कस करते हैं तो उसके पर्सपेक्टिव्स होते हैं, और शायद आप उसका एक पर्सपेक्टिव देखकर कोई कमेंट कर रहे होते हैं और मैं कोई किसी और पर्सपेक्टिव देखकर, तो एक डिस्कशन जो है वो हमेशा मीनिंगफुल होती है कि जिसमें मैं आपका पॉइंट समझ सकूं, आप मेरा पॉइंट समझ सके, और फिर बीच में जो है वो फैक्टर्स जो है वो डिस्कस हो सके जिसकी वजह से कोई इसमें बाय कॉल या सेल कॉल दे रहा है। और फिर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करते हुए तो हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, उसका अपना पोर्टफोलियो, उसका अपना रिस्क प्रोफाइल है, वो उस हिसाब से फिर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे। और स्टॉक मार्केट तो है भी बड़ा स्पेशल प्लेस, जहाँ पे देखे ना हर लेवल पे एक बंदा बेच रहा है और एक बंदा खरीद रहा है, तो देखें यही है जो आप कह रहे हैं कि दो पर्सपेक्टिव हैं। और जब हमने पहले वाली ईएनपी पे डिस्कशन की थी तो मुझे लाइक भाई ने प्राइवेटली बताया था कि इन्होंने उस डिस्कशन के बाद ना के कॉल के बाद, आप भी जो बता रहे हैं आई वुड कंसीडर दैट अ डिस्कशन एंड देन एवरीवन शुड मेक देयर ओन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सो लाइक भाई ने तब इतजाज भाई ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए थे कि पॉजिटिव ट्रिगर क्या हो सकते हैं, तो लाइक भाई ने माशाल्लाह काफ़ी पैसे कमाए थे उस टाइम, ले लिया था इन्होंने पीपीएल कोई 50-ish के पास, और फिर इन्होंने बाद में रैली मिली थी इनको और बेचा था। तो आई थिंक डिस्कशन का पर्पज़ यही है कि पॉजिटिव्स देखें, नेगेटिव देखें, एंड देन वी टेक आवर ओन डिसीजन। अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, आई लव द डिस्कशन। काफ़ी पिछले दो वीक्स मिस भी हुए थे ड्यू टू हॉलीडेज, और एक गैप भी आ गया था टू स्पीक अबाउट द ओवरऑल मार्केट आउटलुक। आई रियली होप टू यू फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर, थैंक यू। थैंक यू एवरी वन। अगले वीक रीट का टॉपिक प्लान किया हुआ है, तो लेट्स मीट नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू, एंजॉय योर वीकेंड।